अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने लगे हैं, दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लानती यजीद किरदार इंसान जो था, इंसान तो नहीं था, उसे हम कह ही नहीं सकते इंसान, बाकी वीडियो की तरह कोई लफ्ज ही नहीं बना उसके लिए, तो हम उसके लिए एक लफ्ज रख लेते हैं कि लानती, ठीक है, हम उसको लानती कहेंगे यजीद को, ठीक है। तो लानती जो था यजीद, उसकी मौत किस तरह हुई, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पूरे घराने को शहीद करने के बाद उनके साथ जुल्म किया, उसके बाद उसकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों बहुत सी किताबों के अंदर यहाँ सिर्फ ये सुना है कि जब वो पानी पीता था उसको तब तकलीफ़ होती थी, और पानी नहीं पीता था तो उसको तब तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली के बेटे और क्या कहते हैं उनको प्यासा एक तरह से रख के और फिर शहीद किया। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या इसके अंदर बयान हुआ है, वाक्य के अंदर छोटी सी वीडियो लेकिन वाक्य देखते हैं दोस्तों कैसे यजीद लानती की मौत हुई। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने की तो वीडियो को लाइक करना। चलो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम सामीन को मोहम्मद शहजाद की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यजीद ने नवासे रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफ़ो शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बयत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि तीन दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबी में अपने घोड़ों को बांध के साहबे रसूल के नमूस के साथ बेहुरमती करते रहे और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत पड़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक्य को वाक्य हीरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। दोस्तों इन तीन से चार वाक्या को देख के कौन कह सकता है कि यजीद को बुरा ना कहो, अल्लाह उसको बख्श देगा उस लानते इंसान को। नहीं दोस्तों, दिमाग ही पता नहीं लोगों का डाउन है जो इस तरह की बातें करते हैं। पहली बात है दोस्तों, ये बात तो ये वाकयात या ये हरकतें तो उसने बाद में की, इससे बहुत बड़ी हरकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली के नवासे को शहीद किया, उनके बाद उनके पूरे अहले खाना के साथ ज्यादती की और जुल्म किया। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है, और उसके बाद फिर मदीना और खाना काबा के ऊपर हमला किया। आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर क्या है। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था, लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। वाकई करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मूजी मर्ज में मुबतला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की तकलीफ से माये बेआब, यानी जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, इस तरह तड़पता रहता। इसकी आंतें जलने लगी थीं। वहां के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की बदौलत है। हिम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मार के बिस्तर पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत जिल्लत और हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताज तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे। जिसकी बात यहाँ पे आ गई है कि यजीद का बेटा मुआविया जो है, तो यहाँ पे मैं बताया चलूँ कि वो भी तो यजीद का ही खून था। ये अल्लाह ताला हदायत अता फरमाता है, जिसने अपने बाप की
जो एक तरह से रियासत थी जिसके लिए उसके बाप ने यजीद लानती ने सब कुछ किया, और उसके बाद क्या कहते हैं वो छोड़ के भाग गया। दोस्तों बाकी आप जो बातें हैं वो कमेंट के अंदर मुझे बताएं। यजीद के जो बेटे, यजीद का जो लानती इंसान यजीद था, उसका जो बेटा माविया थे, वो वाकई ही क्या कहते हैं हुकूमत छोड़ के भागे थे, ये बताएं मुझे बात, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुनियादे नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रांझो आलम से बिस्तर पर पांव रखने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और इसमें कीड़े पड़ गए। इस लानती यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी इसके पास नहीं जाता था। बहुत कीमती और निजाब किस्म के अत्तर भी लगाए जाते, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके पास आता तो वो भी नाक और मुंह लपेट कर आता। इसका पेट कीड़ों की गजा बनता जा रहा था, तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब गहरे इलाई की मार थी, पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। उन दिनों अरब के बदतरीन बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और इसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा, शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। चंद रोज तक उसकी लाश चील कमों की दावत में रही। बिलाकर ढूंढते हुए उसके सिपाही वहां पहुंचे। उसकी लाश में ऐसी होलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। एक गड़ा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को दफन कर दिया गया। यजीद की कब्र शाम के किसी गंदगी के ढेर के नीचे दबी हुई है और लोग इस लानती यजीद की कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया। इस ज़मीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना देगा। ये बात तो है दोस्तों। वीडियो दोस्तों छोटी सी थी लेकिन वीडियो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ, बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी वीडियो थी और टू द पॉइंट वीडियो थी। ये नहीं थी कि कोई यहाँ से पकड़ ली कोई वहां से पकड़ ली, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो थी और बहुत कमाल थी, बहुत कमाल थी। यजीद लानती को इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला क्या कहता कि उसके अपने दिल के जो पास थे वो ही उसके पास नहीं आते, क्योंकि उससे स्मेल और बदबू इतनी गंदी आती थी कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा गंदी। उसके बाद वो मरा भी तो कैसे, कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत से भी बदतर मरा। कुत्ते की मौत तो कई गुना अच्छी होती है, उससे भी बदतर मरा कि घोड़ा, उसका ही घोड़ा उसको लेके भागा। और कब तक वो भागता रहा, कब तक कौन कौन से जिस्म के अज़ा के ऊपर उसके लानती इंसान के चोट वगैरह लगी होगी। उसके बाद पानी वाली बात दोस्तों सच थी, उसी तरह ही इसकी मौत हुई, हम लोग को बताया। ये बात तो सही बताया, मुझे पता थी कि पानी पीता था तो उसको जलन होती, लेकिन कीड़ों वाली बात मुझे नहीं पता था कि तो उसके पेट में कीड़े पड़ गए थे और वो कीड़े उसका पेट खा रहे थे। दोस्तों सोच के, मतलब जो इंसान कहता है कि जो गुनाहगार बंदा था उसके साथ कब्र के अंदर होना है, वो उसके साथ बाहर ही हो रहा था, तो कब्र में उसके साथ क्या 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 हुआ होगा। तो उन लोगों की सोच है कि यजीद को बुरा ना कहो, यजीद को अल्लाह माफ कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों उन लोगों की सोच को अल्लाह ताला बदले और उनको भी हदायत अता फरमाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं दोस्तों लोगों के लिए, बाकी जो हदायत है वो अल्लाह सबको अता फरमाए। बाकी दोस्तों यजीद को माफ नहीं कर सकते अल्लाह ताला, क्योंकि यजीद को माफ करने का कोई ऐसा उसूल ही नहीं है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि हाँ, अगर लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन, जिस तरह वो हम लोगों ने एक खिताब के अंदर सुना था कि इमाम हुसैन बड़े सखी हैं, वो माफ़ कर देंगे यजीद को, ये है तुम यजीद को ऐसे ना कहो ऐसे ना कहो, वो जो यजीद को ख्वाब में देखा था, लानती इंसान को ख्वाब में देखा था किसी मौलवी ने, तो उसके बाद दोस्तों ये बात हुई थी कि यजीद को ऐसा ना कहो ऐसा ना कहो ऐसा ना कहो, तो वो मतलब उसकी तरीफे कह रहे थे, नाउज़ बिल्ला उसको ये भी कहते कि उसको हजरत को सोच चेक करें लोगों की क्या है।
तो दोस्तों कह रहे थे कि अल्लाह बहुत सखी है, हुसैन बहुत सखी है कि वो यजीद को माफ कर देगा। तो जब मैंने ये बात कही थी, ये मेरे दिमाग की बात है, कि साथ वो कारी साहब जो दूसरे थे, मैंने कहा थे रजा करके उनका कुछ नाम था, मुझे उनका नाम माइंड से आउट हो रहा है, जो जाकिर थे, कि अगर अल्लाह ने शैतान को माफ कर दिया, अल्लाह हुसैन से ज्यादा सखी है, तो अगर अल्लाह ने शैतान को माफ कर दिया तो फिर मतलब फिर तो कोई इंसान दोजख के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि वादिया अल्फाजों के अंदर है कि शैतान जो है वो गलत कामों के लिए इंसान को भटकाता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह ताला सबको दया तो। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने ये कहा था कि हाँ हो सकता था हजरत इमाम हुसैन माफ कर देते अपने पे हुआ हुआ जुल्म, ठीक है, जो अपनी जात पे उनके ऊपर अपनी जात को जिसने शहीद किया गया, बेहुर्मती की गई उनके क्या कहते हैं जिस्म मुबारक की, तो उसको माफ कर सकते थे हजरत इमाम हुसैन। लेकिन जो उसके बाद उनके अहले खाना के साथ 70+ लोगों जो उनके साथ गए हुए थे, उनके अहले खाना के, उनके साथ, उनकी सैयदा के साथ, उनकी क्या कहते हैं जोजा, उनकी बहन, उनकी क्या कहते हैं बेटी, और हजरत अब्बास, मतलब जिनके साथ जुल्म किया उनका जुल्म कोई माफ कर सकता है? यहाँ पे हम लोगों को अगर कोई तकलीफ पहुंचाए हम उसको माफ नहीं करते, और अगर हमारे कोई घर वालों को तकलीफ पहुंचा दे हम तो उसको मारने को दौड़ते हैं। तो ये तो फिर अहले बैत और सैयदा दा घराना, पंजाबी दे अंदर इन्हों बड़ा चंगा बोला जाता है कि सैयदा दा घराना है गए। तो इसी तरह की बात है दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसी सोच से बचाए, और क्या कहते हैं अल्लाह ताला सबको हदायत अता फरमाए। दोस्तों मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है, यजीद की मौत बहुत क्या कहते हैं अच्छे इंजाम के साथ हुई है, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाया, उसको दुनिया के अंदर ही रुस्वा किया कि हाँ उसके पेट में कीड़ियाँ, तो दोस्तों कब्र के अंदर उसके साथ क्या हाल हुआ होगा, और ये भी नहीं पता कि उसकी कब्र कौन सी है। मैं पिछले दिन एक व्लॉग देख रहा था, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, उसके अंदर यजीद की कब्र दिखाई हुई है। तो आप मुझे बताएं अगर वो वाला व्लॉग देखना है तो उस पर वीडियो अपलोड करूँ कि ना करूँ। और दोस्तों अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करो, और साथ दोस्तों ये मुझे जरूर बताएं कि कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, कमेंट करके आप नीचे या हुसैन, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन लबैक जरूर लिखें दोस्तों। और साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।